दोस्तों, यदि आपने हमारे प्रीवियस वीडियोस जो हमने फिल्म ब्रह्मास्त्र पर बनाया है देखा होगा, तो आप जरूर जानते होंगे कि इस फिल्म में मौनी रॉय एक अहम भूमिका निभा रही है। अब इस फिल्म से रिलेटेड एक बड़ा खुलासा हुआ है। ये खबर ये है कि मौनी रॉय इस फिल्म में नेगेटिव शेड्स यानी विलन का किरदार निभाएगी। मौनी रॉय, जिन्होंने अपना बॉलीवुड डेब्यू किया अक्षय कुमार के साथ फिल्म गोल्ड में, कहती है कि उन्हें ये न्यूज काफी शॉकिंग लगा जब उनसे कहा गया कि ब्रह्मास्त्र में वे एक एंटेगनिस्ट का किरदार निभाएगी। मौनी रॉय कहती है कि गोल्ड के बाद वे डिफरेंट कैरेक्टर ड्रिवन रोल करना चाहती थी। मौनी कहती है कि वे काफी खुश है कि उन्हें ब्रह्मास्त्र में एक नेगेटिव शेड वाला किरदार मिला। उन्हें अपने फिल्मी करियर में अलग अलग किरदार करना पसंद है। वे अपने हर एक फिल्म में ये ट्राई करेगी कि वे कुछ अलग कैरेक्टर ड्रिवन रोल करे, क्योंकि उन्हें चैलेंजिंग रोल काफी पसंद आते हैं। उनका मानना है कि एज अ एक्टर हमें रोल्स के साथ एक्सपेरिमेंट करते रहना चाहिए, जो काफी इम्पोर्टेंट है एक एक्टर को ग्रो होने के लिए। उन्होंने ये भी कहा कि इस फिल्म के डायरेक्टर आयान मुखर्जी ने उन्हें सेलेक्ट किया इस किरदार के लिए उनके टीवी सीरीज नागिन का एक सीन देखकर। मौनी ये भी कहती है कि उनकी लाइफ की सबसे बड़ी अचीवमेंट थी मिस्टर अमिताभ बच्चन, रणबीर और आलिया भट्ट के साथ काम करना, और ये उनकी सबसे स्वीटेस्ट मेमोरी है जिन्हें वे हमेशा चेरिश करेगी। वे अपनी आने वाली फिल्मों को लेकर काफी एक्साइटेड है। मौनी इसके बाद जॉन अब्राम के साथ फिल्म रॉ यानी रोमियो अकबर वॉल्टर में दिखाई देगी, जिसके बाद वे काम करेगी नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ फिल्म बोले चुड़िया में। हम उम्मीद करते हैं कि मौनी रॉय की आने वाली सारी फिल्में उनके लिए बेहद सक्सेसफुल साबित हो, जो बॉक्स ऑफिस में बेहद अच्छा प्रदर्शन तो करे ही, साथ ही ऑडियंस का भी कम्प्लीट मनोरंजन करे। दोस्तों, इसके अलावा भी यू आर बॉलीवुड के पास आपके लिए बहुत कुछ है। ऊपर दिए गए बॉक्स को दबाकर हमारे लेटेस्ट वीडियोस देखें। नीचे दिए गए बॉक्स को दबाने से आप वो वीडियोस देख पाएंगे जो YouTube समझता है कि आपको देखना चाहिए। बगल में दिए गए गोल बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।